होली त्यौहार की रंगों की जो बहार है, त्यौहार है, आपसी प्रेम भाईचारे का त्यौहार, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय जो ये सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला है, ये 19 को परसों ये शुरू होने जा रहा है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि कोविड के बाद एक प्रकार से दो साल बीच में नहीं हुआ, तो अब ये मेला हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें इस बार जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पार्टनर स्टेट है, और ऐसे ही पार्टनर कंट्री के नाते से उज्बेकिस्तान ये हमारा कंट्री पार्टनर रहेगा। 20 देशों के जो लोग हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो इसमें भाग लेने के लिए आएंगे, ऐसी संभावना है। ये मेला तो हम जानते हैं कि इसको लगभग 35 वर्ष हो गए हैं लगातार चलते हुए। शिल्पकार और कलाकार अपना अपना हुनर यहाँ के दिखाते हैं, लगातार 15 दिन तक ये चलता है, बल्कि इसमें अब एक दिन बढ़ाया गया है। इसकी जो तिथियाँ हैं वो जो महीने का फर्स्ट वीकेंड्स के 2 दिन और फिर तीसरे सप्ताह का जो वीकेंड है उस तक अब ये चलता है, तो ऐसे ये कुल मिलाकर 16 दिन का ये हो जाता है। इस बार हमने ये भी विचार किया है कि केवल एक मेला नहीं बल्कि साल में 2 मेले यहाँ लगाया करेंगे, वो सितंबर अक्टूबर के महीने में भी यहाँ इसी प्रकार का कोई ना कोई आयोजन किया जाए। वो फिर जो डिपार्टमेंट पहले कर रहा वो करेगा या कोई दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन एक अच्छा स्थान है, इसका उपयोग वर्ष में 2 बार करें। इस बार हमने ई टिकटिंग का एक सिस्टम इसमें शुरू किया है कि घर बैठे ही अपनी टिकट कटवा सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, तो ई टिकटिंग के माध्यम से लोगों को सुविधा जो है वो आने जाने की हो जाएगी। और लगभग 25 लाख लोग जो हैं इस मेले में और सहभाग करते हैं, स्कूलों के बच्चों को इसमें विशेष सुविधा दी जाती है।